बिल्कुल, तो इन तस्वीरों के जरिए आप भव्य दिव्य और नव्य मंदिर को देख सकते हैं। प्रभु श्री राम का यह मंदिर और आज पूरा अयोध्या, नर नारी हर कोई आज खुश है, खुशियों से झूम रहा है। वहां की गलियां आज नाच रही हैं, गा रही हैं, मंगल गान गा रही हैं। हर एक कदम हर एक पग सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है, भगवान श्री राम के इस अद्भुत मंदिर की तरफ। और वो कहते हैं कि जिनकी विरह में आप दिन रात सोचते हैं, घुल मिल जाते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप दिन रात रटते हैं, याद करते हैं, आत्मसात करते हैं, वो रघुकुल के तिलक हैं, वो रघुकुल के सूर्य हैं, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक भगवान राम हैं। हम में जो उपस्थित हैं शरीर से, उनको कितने आनंद की अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं आनंद के सिंधु हैं। उनकी एक बिंदु से कोटि कोटि ब्रह्मांड आनंद के सागर में निमग्न हो जाते हैं। उनके नाम में ही र आ म में अग्नि सूर्य और चंद्रमा के तत्व के रूप में अमृत की वर्षा होती है, और वही श्री राम आज फिर से प्रतिष्ठित हो रहे हैं जन जन में, मन मन में। भगवान नारद की वीणा की स्वर लहरियां अनंत अनंत ब्रह्मांड को इस वक्त श्री राम नाम की धुन से गुंजायमान कर रही हैं। भगवान श्री राम के आराध्य सखा और सबसे बड़े प्रेमी भगवान शिव शंकर अपने डमरू की नाद से तीनों लोगों को आनंदित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ग में हमारे राजा पुरंदर, मृदंग और सभी देवता मजीरे झाज और घंटे घड़ियाल की सेवाएं दे रहे हैं। इस वक्त आप देखिए जटायु के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी, और वह जटायु जिन्होंने त्रेता युग में जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो एक योद्धा के रूप में, एक वीरव्रती के रूप में, एक राम के भक्त और अनन्य जीव के रूप में उन्होंने रावण का सामना किया। तो इस जो रामलला की जो मूर्ति है जी, इसमें विनय का भाव, सौम्यता का भाव जो है वो साफ साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री ने एक बात कही आज कि रामलला टेंट में थे और अब महल में पहुंच चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। जब हमें तस्वीर देख रहे हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से गुलाबी रंग के कनात के बीच, टेंट के बीच में रामलला को रहना पड़ता था। वहां पर सिंहासन की जगह जो है वो नुकीले पत्थर निकले हुए थे, और उन्होंने हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फूलों की जगह पर वहां पर नुकीले पत्थर थे, बंजर टीला था, और वहां पर रामलला रहे थे। और आज वो रामलला जो है एक महल में प्रवेश कर गए हैं और दिव्य मूर्ति, दिव्य प्रतिमा हमारे दर्शक देख सकते हैं। वो आभा मंडल नजर आ रहा है रामलला को, और रामलला को का स्थान यही था, यही रामलला को विराजित होना था, और आज रामलला 500 साल की तपस्या के बाद यहाँ पुनः विराजित हो गए। Speed News.